गुना होगा क्योंकि ये पाप है, ये पाप है कि उसको सारा दिन काम करा के उसको पैसे ना दो। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ चलो, बिल्कुल नहीं ये होने क्योंकि काम ये काम किया उसको उसके पैसे ना दो तो ये पाप है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे कि वो ऐसा नहीं करेगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। और दूसरा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, ये तो नहीं कहा आप लोग महंगाई आपने कहा बहुत होगी, इसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं राम जी मंदिर की, बात कर रहे हैं मस्जिद की, बात कर रहे हैं किसी धर्म की। सुनो सुनो, हम नया गांव में मनरेगा चलती है, वहाँ गांव में जाओ बिहार, अब हम कांग्रेस ने फैसला कर दिया कि शहरों में भी हम मनरेगा चला रहे हैं 400 रुपए दिहाड़ी कम से कम। कहने का मतलब उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगा, वो 100 दिन का मनरेगा अलग से मिल जाएगा, ये समझे? आज 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 फ्री हो तुम, कोई नहीं लेके जा रहा, मनरेगा पे जाओ दिहाड़ी क्या मिल रही है उधर जाओ। पहले हमने दी, कांग्रेस ने दी मनरेगा, आज महंगाई का धंधा मार दिया, लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। कोई कहता प्रवासियों को ये कह दिया वो कह दिया, इतना झूठ बोलते लोग, सुनो मेरी बात, मैं आपसे वादा करता हूँ प्रवासी अब प्रवासी नहीं है। अगर आप लोग ना होते तो लुधियाना आगे को बढ़ना था, आप आए तो लुधियाना आगे बढ़ा, आज फैक्ट्रियां चल रही है, कैसे चल रही है आप लोगों के बल बूते पे चल रही है। मैंने कहा कि छठ पूजा के लिए तालाब वगैरह भी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा धर्मशाला भी आप लोगों के लिए बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हम अमेरिका जाते हैं, सरदार अमेरिका जाता है, कनेडा जाता है, वहां हम घर नहीं खरीदते, हम वहां जमीन नहीं खरीदते, हमें कुछ बोरे जो बाहर थोड़ी निकाल देते हैं, ये दो चार शरारती लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। हर बंदा मेहनत करे, ये धरती है, जिसको भी मेहनत का है किसी का कोई घर बैठे का थोड़ी खाते हो तुम लोग, खाते हो कोई नहीं बगाएगा, किसी कौन बगाएगा, आज तक किसी ने बगाया? ये लोग कुछ बुखार होते हैं वो ऐसी बात करते हैं, आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, किसने बगाया आपको? ये इसको दिमाग में बिठा लो, जान बूझ के चुनाव के समय ऐसी बात करेंगे जान बूझ के, नुकसान पहुंचाने के लिए आपको भी बगाने आया है। हाँ ये दिक्कत है जो पैसे वाली, सारे जगह पर चिट्ठी लिखूंगा अपनी भाई, लेबर से काम कराने के बाद उसको पैसे देने पड़ेंगे। हमारा दफ्तर खुलेगा, आपको पता होगा कहाँ दफ्तर है, कोई होगा तो वहां बताना आप लोगों ने, तो मैं यहाँ कभी नहीं कोई आया आज तक है एमपी कोई आया बता दो, मैं क्या है, मैं बड़े अमीर लोगों को भी मिला, एमपी वालों को भी मिला, साइकिल साइकिल वालों को भी मिला, सबकी दिक्कतें सुनी है, मैं आपकी दिक्कत भी सुन रहा हूँ। आप मेरे को बताया कुछ लोगों ने कहा कि हमें घर दे दिए, लेकिन अलाटमेंट हुई है किसकी नहीं है, जो पुराने आए हुए ना, तो मेरा काम है लोगों की दिक्कतें जानना फिर उसके ऊपर काम करना। और ये बड़ी दिक्कत आप सबने बताई है कि यार हमें काम करा लेते हैं तो ताला लगा देते हैं, ऐसा नहीं होने दूंगा, पुलिस कमिश्नर को ही बोल दूंगा कि भैया हर जगह पर ये ऐलान कर दो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेबर क्लास को तंग नहीं करना, एक तो गरीब एक तो कर रहा, तो इस बात का ध्यान रखना। और आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें छठ पूजा के लिए तालाब, ये सारी चीजें धर्मशाला, ये हम आपके बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए करेंगे। बार बार एक बात कितनी उम्र है, मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, कौन कह देता हम ये बता कौन कहता है, मान लो मैंने कुछ ऐसा कह दिया कौन कर देगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, हम लोग हैं पंजाब तरक्की नहीं करेगी और लुधियाना तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। किसी ने धक्का नहीं करना राम से, राम से राम से राम एक बार राजा बड़ी।
कोई हिंदू के घर हुआ है, कोई गरीब के घर हुआ है, हम इंसान है, हम हिंदू मुस्लिम तो बाद में सरकार हूँ तो ये बताऊंगी अगर कोई सरकार किसी बिहार के बच्चे के साथ या फिर हिंदू के साथ के साथ थोड़ी बच्ची है। मेरा गुरु क्या कहता है कि जिसके साथ न्याय हो तुम उसके साथ न्याय हो। अब आपको भी चीज रहा है सरकार में बुरी ऐसी सरकार है तो मैं पूरा हाथ भी और ऐसे और सरकार अच्छे लोग हैं हमारे पंजाब के ये थोड़े थोड़े लोग जो खराब है ना कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को वो किसी के बारे में भी दुख दे सकते। आप चिंता नहीं करना आपको ना तो कोई छेड़ सकता है ना बुला सकता है। राजा बड़ी आपको सारी सुविधाएं देगा इस पर बीच में राजा बड़ी।